बादल बाजन लाग रहा है, लागे सैन के घर में छोरा हो रहा है। अरे बावली किसा छोरा, अरे किसी का कर्जा उतरन लाग रहा होगा, बावली सरक ले दे। देखे कमला, घर को जल्दी चल, मौसम खराब हो रहा, कभी तू भीग जा। चोखाई तो है, बारिश आ जाएगी, हम भीग जाएंगे। देखे मैं तू समझाने क्यों था के तो नहीं, 4-5 घंटे खराब करके जो मेकअप करा ना, अगर बारिश होगी ना तो सारा खराब हो जाएगा। आज तो तू मुझे भीग जान दे। भीगी तो बीमार पड़ जाएगी तू। देखे मुझे कुछ ना होने का, तू मेरी चिंता ना कर। आज मेरा दिल भीगने को कर रहा, तू आज मुझे भीग जान दे। चिंता क्यों करना करूं कमला, मैं तेरे ते प्यार करूं। तू मेरे ते प्यार करे तो आजा, तू भी मेरे गैल भीग ले, प्यार करने का मजा दुगना हो जाएगा। तो तू भीगे बगैर मानेगी ना कमला? ना कतई ना। क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करे है? सच, आंसू तेरे निकले तो आंख मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो। खुदा करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो, सांस तेरी रुके तो मौत मेरी हो। अरे बापू क्यों दुख सा मान रहा, क्यों उदास बैठा, के हो गया? अरे मदन का कुछ पता नहीं आया, पता नहीं उसकी नौकरी लगी या नहीं लगी, पता नहीं वो कैसे रहता होगा। अरे बापू जी उन्हें हमारी चिंता नहीं करी तो हम क्यों करें? अरे मैं नू कहूं नो तमास कदी बगल नहीं होता, तुझे पता ना औलाद का कैसा दुख हो। अरे बापू मैं भी तो तेरी औलाद हूँ, मुझे मुझे पता ना। अरे बेटे तू औलाद तो है पर बाप नहीं। बैठा के सोच रहा? कुछ ना, अपने गांव के बारे में सोच रहा था। के सोच रहा था? कि तेरे शहर से तो हमारा गांव अच्छा, हमारे गांव में कितनी शांति है, चारों तरफ हरे भरे खेत, हरियाली हरियाली है। हमारा शहर थारे गांव ते बढ़िया है, सारी चीज मिले हमारे शहर में, थारे गांव में के मिले? हमारे गांव में प्यार ही प्यार मिले, वो भी सच्चा प्यार। यहाँ ना मिलता सच्चा प्यार, अपने गांव की घनी तारीफ ना करे। तारीफ क्यों ना करूं, जिसने आज खाकर तुम सारे लोग जियो ना, वो गांव में पैदा हुए। कुछ भी हो गांव तो मुझे कतई पसंद ना, मुझे तो शिमला नैनीताल मंसूरी बढ़िया लगे। फिर तो तुझे भी गांव के लोग पसंद ना होंगे। नहीं नहीं यू बात ना है। यू बात ना है तो चल मेरी गैल, तुझे गांव घुमा के लाऊं। फिर अपने गांव की बात कर रहा, मुझे ना जाना तेरे गांव में। दिखे सारी पप्पू एक बार गांव में चल, मैं तेरी सारी फड़क काट दूंगा। अच्छा हे भोले महाराज, या तो इस बीरबानी ते मेरा पिंड छुटा दे, और या मुझे बस ठा ले, तड़के उठते ही रोज पिटता है मुझे। अजी सुनो के घरो चलो। मैं ना चलता घरों। जी मैंने माफ कर दो, इब मैं सारा घर का काम करूंगी और आप खेत का करियो। अरु शरत 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 ने छोड़ दो। शरत पूरी होली के तेरी? हाँ होली पूरी। पिटते तो ना फिर? ना ना ईमानदारी तो बता। हाँ ईमानदारी तो कहूँ। चल तो ले चल पड़ू। चलो। अरे भोले सुन ली, जय हो भोलेनाथ। कमला तू दारू का धंधा छोड़ दे, छोरियों का दारू बेचे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर यू तो मेरा धंधा है, इसमें कमाई भी तो अच्छी हो जावे। पर इस धंधे को मेरा मन ना मानता, तू इस धंधे को छोड़ और हम दोनों खेत में चले काम करेंगे। ठीक है।
बेटी कमला, बेटी आज कहीं जाइए ना तू, मैंने तेरी सगाई की बात कर रखी है एक जगह, और दिखे वे तुझे देखना आज आ सके बेटा। बापू मैं तो कौन है यू? बापू यू मदन है। हाँ मदन तो यू है, पर है कौन, केक रहे कहाँ रहे, बता। हाँ भाई तू ही बता कहाँ रहे तू, केक रहे, कुछ पता तो लगना चाहिए। जी मैं तो बागपत का हूँ, मैं तो नौकरी के लिए आया था। फिर मिलेगी नौकरी? ना। फिर? मिल जाएगी। ना मिली तो फिर? बापू तुम तो इसके पीछे पड़ गए, तुमने मेरी तो सुनी ना। हाँ सुना, तू भी सुना, के सुना वे? मैनू कह रही थी। के कह रही तू? मुझे पता, चुप रह। हाँ भाई फिर? बापू मैं इससे प्यार करूं, मैं ब्याह भी इससे ही करूंगी, मैं इसके बगैर रह ना सकती। इसी तो करेगी हैं? है के इसके धोरे? इसके धोरे जमीन है, जायदाद है, और इज्जत भी है, और बापू इसके धोरे ट्रैक्टर भी है। बेटी इज्जत का ट्रैक्टर का तो पता जब लगेगा, जब सिर पे गोबर ढोओगी। दारू बेचने से सर पे गोबर ठाना अच्छा। यू ठीक तो कह रहा है बापू, यू तो मैं जानू मेरे पे के बीतता है, जब मैं दारू बेचू ना लोग मुझे बुरी नजर से देखे, और यू मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगता। कमला पिताजी तब मेरी वजह से अपने घर में राड़ ना करो, मैं यहां से चल जाता हूँ। मदन मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ना ना कमला, मैं तुझे पिताजी के आशीर्वाद बिना नहीं ले जा सकता। सुनो बेटा मदन, बेटे मदन, बेटी कमला, जब ऐसी बात है तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहो। इश्क में चर्चे बहुत हैं, हुस्न में पर्चे बहुत हैं, हमने देख लिया इश्क करके, इसमें तो खर्चे बहुत हैं। बापू, ओ बापू। अरे बोल बोल तो। तू तो बैठा घेर में। हाँ। और घरो आ लिया मदर भाई। अच्छा। और गैल में लिया लुगाई, और वो नू कह रहा शहर में कुछ नहीं धरिया, अब मैं गांव में रहमा। अया तो बहुत बढ़िया बात है भाई, अमे तो पहले ही क्या आग्रह था, उत्तम खेती, मध्यम बान, अनिश्चित चाकरी, भीख निदान। देखा बेटा बापू, आ उल्टा काम में, अरे भाई की ली 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 लेकर की फड़क।